काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में न्यायालय के द्वारा 26 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार अपन फैसला सुनावागा। शिक्षक भर्ती घोटाला में 14 आरोपी का सजा सुनाई गई है। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभ्यजन इनका प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। रीवा जिला के जनपद पंचायत जवा में हो वाले बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाला में शनिवार का जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक के द्वारा एक बेहद अहम फैसला सुनाबागा। शिक्षक भर्ती घोटाला के मामला वर्ष 1998 में उजागर भरा, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस पर शिकायत की गई। शिकायत के बाद मामला के जांच में जोने में 19 आरोपी के खिलाफ लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध किएगा। ये मामले में 26 साल के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा एक अहम फैसला सुनाई गई। 14 आरोपी का विभिन्न धारा के तहत सजा सुनाई गई। शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोपी बने 4 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति का दोष मुक्त घलाय के इनका है। बता दी के वर्ष 1998 में वर्ग 1, 2, 3 के खातिर राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 पद और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी के विभिन्न पद व 110 पद के नियुक्ति करे के आदेश पारित रहा। बाकायदा चयन समिति के गठन की गया रहा, लेकिन चयन समिति के सदस्यों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में कई अकमेर की अनियमितता की गई। दोषी पाए जाए पाले पर आरोपी का अलग अलग धारा के तहत सजा सुनाई गई है, जिनमें भारतीय दंड संहिता के धारा 120B के तहत 2 साल के कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माना लगावागा। एक साथ है धारा 367 के तहत 3 साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किएगा। ईमेट से धारा 471 के तहत 2 साल के कारावास के साथ 5,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किएगा है। सजग रही, सतर्क रखिए आप और अपने परिवार के। बहुत ख्याल के लिए इजाजत, प्रणाम।